हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 15 मई 2023 शाम 4 बजे का जीके क्विज़ का सेशन लेकर मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित समूहों के बीच विषम पद की पहचान करें, तो ये है माइक्रोवेव्स। ठीक है, करेक्ट जो है वो नीचे आना था, स्पेस लग के माइक्रोवेव्स, ये विषम पद है। को एक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर, ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं इवन टर्म्स हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे रिलेट करते हैं। जो माइक्रोवेव्स है ना वो रिलेट नहीं करती है इनसे, क्योंकि ये फिजिकली कहीं ना कहीं जो माइक्रोवेव्स है वो इनसे रिलेट नहीं करता। तो विषम पद इस समूह के ग्रुप के बीच में जो सेपरेट है वो है माइक्रोवेव्स। करेक्ट आंसर है डी। कपड़ों पर लगे जंग के दागों को निमन के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये है ऑक्सैलिक एसिड। करेक्ट आंसर है बी। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, तो ये है 21%। 5% पानी वाले इथेनॉल को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, तो ये है प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, प्रोगेस्टेरोन आंसर है करेक्ट सी। IPCC शब्द का विस्तार करना है, तो ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, IPCC। वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये है मसानोबू फुकुओका। ठीक है, मसानोबू फुकुओका करेक्ट आंसर है ए। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर निम्न के बीच है, तो ये है 40 से 45 डेसिबल। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। काजू की फसल पर एंडोसल्फान स्प्रे के परिणाम स्वरूप प्रदूषण त्रासदी के बराबर हो गया है, तो यह है केरला। आंग सान सू की मूल निवासी है, तो यह है म्यांमार। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है ये पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करके आपको देते हैं, तो अगर इनमें कोई सन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए। करंट अफेयर का सेशन नहीं है, जीके क्विज है। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद गाइस, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी एक नए क्विज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।